नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हुस्ने मस्तानी के जलवों के जो आदि हो गए, हुस्ने मस्तानी के जलवों के जो आदि हो गए, अब तो बाजीराव भी फसादी हो गए, अब तो बाजीराव भी फसादी हो गए। इस नए कानून पर जोधा ने अकबर से कहा, इस नए कानून पर जोधा ने अकबर से कहा, आज से जिल्ले इलाही लव जिहादी हो गए, आज से जिल्ले इलाही लव जिहादी हो गए। माफ कीजिएगा, मुझे शेरो शायरी करनी नहीं आती है, बस पढ़ लेता हूं और उसका आनंद या मतलब समझ लेता हूं। जिस दिन उत्तर प्रदेश में यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन नाम का ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ था, ये पंक्तियां सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हो रही थी, इसीलिए मैंने पढ़ के आप लोगों को भी सुना दिया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का भी इस तरह का कानून लाने का इरादा है। असम सहित बीजेपी की कई और स्टेट गवर्नमेंट्स को सिमिलर लॉज इनैक्ट करने का इरादा है। इस देश का लगभग हर नागरिक मुगले आजम का गीत प्यार किया तो डरना क्या, इसको सुनकर बड़ा हुआ है। परंतु अब यह सरल नहीं लगता है, खास तौर से इंटरफेथ कपल्स के लिए। ऐसे जोड़े जिनके दोनों में से एक को अपना रिलीजियस कन्वर्जन या फिर धर्म परिवर्तन करना जरूरी है बिकॉज ऑफ पेरेंटल ऑब्जेक्शन, उनको अब इस कानून के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 महीने का नोटिस देना कंपलसरी हो गया है। भारत में शादी या तो धार्मिक पद्धति से होती है या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के अंतर्गत। इट इज वेल नोन दैट द स्पेशल मैरिज एक्ट फंक्शंस more as a dissuasive tool than as an empowering enabler for adults to exercise personal rights and break away from rigid traditionalism. Hindustan mein agar kisi kanoon ko waqai mein strengthen karne ki zarurat hai to wo special marriage act ko. Jo couples samaj ke traditions ko tod kar shaadi karna chahte hain unko हेल्प या असिस्ट करने की जरूरत है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, इसके लिए मैंडेटरी 30 दिन का पीरियड होता है, अब ये नए कानून के अंतर्गत 2 महीने का हो जाएगा। एक्सपीरियंस बताता है कि इस पीरियड का इस्तेमाल मात्र पेरेंट्स द्वारा प्रेशर या फिर विजिलांते ग्रुप्स या फिर बाकी लोग जो थोड़ा बहुत मसल पावर इस्तेमाल करते हैं वो इस कपल को कोअर्स करने के लिए करते हैं कि आप अपना नोटिस या तो विड्रॉ कर लीजिए या फिर शादी को आगे ना फ्रक्टिफाई करें, उसको लीगलाइज नहीं करिए। हिंदुस्तान में अब सो कॉल्ड या फिर नॉन एग्जिस्टेंस लव जिहाद को रोकने के नाम पर ये नया कानून पास किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल नागरिकता को रिलीजियस आइडेंटिटी से जोड़ा गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। द यूपी लॉ टू कर्ब इंटरफेथ मैरिजेस विल सर्टेनली बी चैलेंज्ड इन कोर्ट डिस्पाइट बीइंग वायलेटिव ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इट इज क्वाइट लाइकली दैट द लॉ मे बी अपहेल्ड। अगर ऐसा होता है तब राष्ट्रव्यापी सिमिलर कानून लगभग तय है। हिंदुस्तान में इंटरफेथ मैरिजेस और नागरिकता के सवाल को लेकर जो लीगल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं
उसकी वजह से इट फोर्सेस अस टू रिकॉल सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ हिस्ट्री। सितंबर 1935 की बात है, नाजी जर्मनी में दो ऐसे कानून पास किए गए जिनको पॉपुलरली न्यूरनबर्ग लॉज के नाम पर जाना जाता है। न्यूरनबर्ग जर्मनी का एक शहर है, वहां एडॉल्फ हिटलर ने 1935 सितंबर में अपने नाजी पार्टी का एनुअल रैली ऑर्गेनाइज किया था। उसी ओकेशन पर उन्होंने राइशटैग जर्मन पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी कन्वीन किया था। उस समय राइशटैग वाज मेड एंटायरली ऑफ द नाजी पार्टी। हिटलर अनाउंस्ड द न्यूरनबर्ग लॉज ऑन द 15th ऑफ सितंबर 1935। इट गॉट प्रोमल्गेटेड विद इन अ फ्यू वीक्स। इन दो कानूनों का नाम था द राइख सिटीजनशिप लॉ एंड द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ऑनर। ये कानून उन रेशियल थियोरीज को एम्बोडी करते थे जो नाजी पार्टी या उनकी आइडियोलॉजी की बुनियाद में थे। दीज लॉज एम्बोडीड मेनी ऑफ द रेशियल थियोरीज अंडरपिनिंग द नाजी आइडियोलॉजी। दे प्रोवाइडेड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सिस्टमिक पर्सिक्यूशन ऑफ ज्यूज इन जर्मनी। न्यूरनबर्ग लॉज का पैसेज इतिहास का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। इसके बाद जर्मनी में ज्यूज के खिलाफ सैंक्शंस और उनके प्रति हेट्रेड का सिलसिला शुरू हो गया। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक बॉयकॉट्स एंड पर्सिक्यूशन ऑफ ज्यूज वर ऑल पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू लॉज, राइख सिटीजनशिप लॉ एंड द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ऑनर का पैसेज ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं था। हिटलर जर्मनी के चांसलर 1933 के चुनाव के बाद बने थे। उसके पहले से ही नाजी पार्टी इनिशिएटेड वेज टू डीलेजिटिमाइज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ज्यूइश पीपल इन जर्मनी एंड लेटर थ्रू आउट यूरोप। पार्टी के 1920 के 25 पॉइंट प्रोग्राम में ही ज्यूज के सिटीजनशिप राइट्स को नकारा गया था। राइख सिटीजनशिप लॉ ने इस पॉलिटिकल पोजीशन को सॉलिडिफाई किया, या यूं कहिए जर्मन नेशन के लॉज का हिस्सा बनाया। इन दोनों कानूनों ने ज्यूज का स्टेट सैंक्शन हेट्रेड ऑफ पर्सिक्यूशन के रास्ते खोल दिए। न्यूरनबर्ग लॉज इतिहास में मिसाल है कि किस तरह से कोई भी सरकार डेमोक्रेटिक लॉज एंड नॉर्म्स का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर सकती है, किस तरह से अपने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पर्सिक्यूट कर सकती है। बस इतना काफी होगा कहना कि पीपल्स विल, या फिर कहेंगे कि जनता चाहती थी, हमने तो हमारे प्रोग्राम्स ऑफ पॉलिसी को सालों से इसके बारे में कैंपेन किया, फिर भी वोट हमको मिलता है, उसका मतलब है पीपल एंडोर्स आवर पॉलिसीज। क्या थे ये दो कानून, द राइख सिटीजनशिप लॉ और द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ऑनर। नागरिकता वाले लॉ ने सिटीजनशिप को जर्मन और रिलेटेड ब्लड वालों तक रेस्ट्रिक्ट किया। मतलब ये कि ज्यूज एंड अदर नॉन जर्मन रेसेस लाइक द रोमा पीपल वर एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ सिटीजनशिप लॉ। जर्मन नागरिकता इस कानून के बाद कंडीशनल हो गई। हर व्यक्ति को साबित करना था कि वे जर्मन थे और द राइट को विलफुली और फेथफुली सर्व करेंगे। प्रतिरोध या किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट जो भी करेगा उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। द जर्मन सिटीजनशिप लॉ वॉज दस अ वेरी हैंडी टूल फॉर द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट टू कीप डिसेंट एट बे। कहा जाने लगा सरकार विरोधी तो देश विरोधी। ऐसे द नाजी पार्टी हैड फॉर लॉन्ग
defined Jews not just by their religious identity, but according to racial anti-Semitism. Germany में Jews को physically distinguish करना बहुत मुश्किल था. बहुतों ने अपने traditional practices और पोशाकों को use करना बंद कर दिया था. वे mainstream में शामिल होना चाहते थे. कईयों ने तो Judaism practice करना भी बंद कर दिया था और Christian त्योहारों या festivals को मनाने लगे थे अपने नेबर्स के साथ. अनेकों ने तो क्रिश्चियन से शादी भी कर ली थी, अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था. लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइक सिटीजनशिप लॉ, जर्मनी के नागरिक वही हो सकते थे जो जर्मन या किंड्रेड ब्लड के थे. 14 नवंबर 1935 को एक सप्लीमेंट्री डिक्री जारी की गई. उसके अनुसार जूस को धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित नहीं किया गया. Jews thereafter were declared to be a race defined by birth and by blood. बात खून और नस्ल की थी. 1933 से ही Nuremberg लॉ के पैसेज के 2 साल पहले से ही स्टॉर्म ट्रूपर्स, जो नाजी पार्टी के ओरिजिनल पैरामिलिट्री विंग थी, उन्होंने Jewish वर्कर्स को सड़कों पर घसीटकर ले आने लगे थे. दे वर ह्यूमिलिएटेड एंड डिग्रेडेड एंड फोर्स टू वॉक द स्ट्रीट्स इन पब्लिक व्यू कैरिंग प्लेकार्ड्स प्रोक्लेमिंग देम एज Jewish स्वाइन्स. Jewish बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स का बॉयकॉट उसी समय से शुरू हो गया. जनता के बीच कैंपेन चलाया गया, बाय गुड्स ओनली फ्रॉम द आर्यन और जर्मन बिजनेसेस. पब्लिक ऑफिसेस में जॉब्स Jews के लिए बंद हो गए. कई पेशे ऐसे थे जहां Jews की एंट्री खत्म हो गई. एकेडमिया, मीडिया, बैंकिंग, कल्चर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता था अगर वो Jew होता. Jewish इमिग्रेंट्स को डीनेचुरलाइज किया गया. पोलैंड के बॉर्डर्स पर जो रिफ्यूजी कैंप्स थे वहां पर उनको भेजा जाने लगा गया था. कुछ वक्त बाद जर्मनी के अदालतों में Jews का प्रैक्टिस बैन हो गया, मतलब कोई Jewish वकील ही नहीं बचा. पूरा समाज धीरे धीरे नाजी आइडियल्स में तब्दील हो गया. दूसरा Nuremberg कानून, प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ऑनर, जैसे नाम सजेस्ट करता है, was driven by the acceptance that German blood and honor required to be protected, that it was not very safe and stable. शायद inherent inferiority complex ही थी जो aggressive Nazi विचारधारा और Nazi party को उत्पन्न किया था. The law for the protection of German blood and German honor ने Jews और German blood के व्यक्तियों के बीच शादियां और एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों पर प्रतिबंध लगा दिया. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को रेस डिफाइलमेंट या फिर रसनशांडे का लेबल दिया गया था. इस कानून के अंतर्गत 45 वर्ष के कम आयु के जर्मन मेड्स को कोई भी Jew एम्प्लॉय नहीं कर सकता था. इस कानून का उल्लंघन करने से पनिशमेंट जेल टर्म के साथ साथ हार्ड लेबर भी होता था. धीरे धीरे हजारों Jewish लोगों को या तो फॉर्मली कन्विक्ट किया गया या फिर दे सिंपली डिसअपीयर्ड एंड वर सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. इस कानून का मेन पर्पस जर्मन वोल्क या जर्मन रेस का सर्वाइवल था. इस कानून के इंट्रोडक्शन के कई साल पहले से नाजी पार्टी के एक्टिविस्ट कैंपेन करते थे, Jewish मर्द जर्मन औरतों का रेस डिफाइनमेंट एनकरेज करते हैं, उनको फुसलाते हैं. आपने ऐसी ही शब्दावली की गूंज जरूर सुनी होगी. इस लॉ का स्टेटेड मोटिवेशन और उद्देश्य था, मैं पढ़ के सुनाता हूं.
moved by the understanding that purity of German law is the essential condition for the continued existence of the German people, and inspired by the inflexible determination to ensure the existence of the German nation for all time. Jews ko German national flag aur Reich ke colors ko display karne mein pabandi thi. They were not permitted to display these. The law for the protection of German blood and German honor ke baad utpan public pressures ki wajah se bahut Aryan Germans ne Jews ke saath marital ya fir sexual relations ko band kar diye. They did not wish to live under constant threat of arrest, humiliation and being categorized along with the Jews. 1932 tak jab tak Nazi party satta mein nahi aayi thi, almost 65.1% of the Jews in Germany were marrying somebody who was not racially considered to be Jewish. By 1939, there was a drastic fall in these numbers. Germany pehla desh nahi tha jahan interfaith marriage ya fir sexual relations par frown kiya gaya. Na Germany aakhri desh tha. Uske baad bhi kai aise desh aaye jahan is tarah ke segregate karne wale laws aaye. Itihas lekin gawah hai har rashtra ko aise laws repeal karne pade apni unnati ke liye. Our country is facing multiple challenges, be it due to COVID-19 or because of China and Pakistan. Is situation mein kya hum in challenges ko unitedly face karenge ya fir dharm ke aadhar par divisive aur polarizing kanunon ko support karenge? Kya zyada zaruri hai unitedly crisis ko overcome karke India ko super power banaye ya fir apne apne boxes mein hi rehkar apna energy internal conflicts mein hi gawate rahe? Hamara aaj ka karyakram dekhne ke liye bahut dhanyawad. Jaisa main har baar request karta hu, is baar bhi kahunga ki is program ko aur news click ke sare programs ko please शेयर करिए और सोशल मीडिया पर लाइक करिए. नमस्कार.